सो गाइस कैसे हो, क्राफ्टन की तरफ से भी एक बहुत बड़ी हिंट निकल के आई है गेम को लेकर, जिसमें कि यहाँ पर BGMI का एक न्यू ट्रेलर हमें बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, वो भी BGMI लॉन्च से पहले। और वो ट्रेलर की अनाउंसमेंट हमें खुद इन गेम के अंदर मिली है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर एक बहुत बड़े आर्टिकल ने, यानी बोल सकते हो सबसे बड़े आर्टिकल ने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया BGMI का कब तक आने वाला है, यानी उसकी रिलीज डेट। और गाइस साथ में बात करेंगे यहाँ पर 2.3 का अगला जो अपडेट आ रहा है, क्या वो BGMI के अंदर आएगा या नहीं, वो भी आज की इस वीडियो में कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यार उससे पहले कहूंगा प्लीज आज की इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे भाई। तो चलो लेट्स गो। अब गाइस आपको पता होगा, अब से लेके एक साल पहले जब हमारा BGMI लॉन्च हुआ था, उससे कुछ ही दिन पहले यहाँ पर BGMI का एक ट्रेलर भी हमें देखने को मिला था, टीजर बोल सकते हो ट्रेलर। तो वही सेम चीज आज के दिन दोबारा से इन गेम के अंदर देखने को मिली है। तो इससे ये चीज हमारी कंफर्म होती है कि बहुत जल्दी से एक यहाँ पर दोबारा से न्यू ट्रेलर हमारा लॉन्च होने वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइस करना क्या है, नॉर्मली गेम को ओपन करना है, ओपन करने के बाद में इवेंट के सेक्शन में जाना है। अब से लेके दो दिन पहले यहाँ पर रूल्स ऑफ कंडक्ट जो निकल के आए थे यहाँ पर, गाइड फॉर अनलिंकिंग अकाउंट। अब गाइस इन्हीं के अंदर यहां पर आपको क्या करोगे, आपको नीचे ऊपर जाओगे ना इवेंट के अंदर, ये देखो आपको यहां पर मैं इसे स्लो मोशन के अंदर भी दिखाऊंगा। तो गाइस सबसे पहले यहां पर देखो, और यही सेम टू सेम चीज इनके ऑफिशियल चैनल पे ट्रेलर भी पड़े हुए हैं पहले वाले। यहां पर चार पोस्टर है जिसमें कि एक तो शो नहीं हो रहा, बट तीन के अंदर एक के स्नेक्स डायनामो, एक के अंदर मोर्टल है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये ग्लिच है या पता नहीं क्या है फिलहाल, जब अब से लेके बहुत टाइम पहले इनका जब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम से चैनल बना था, तो वहाँ पर भी ये सेम टीज़र देखने को मिले थे जो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो शायद हमें दोबारा से फिर से ट्रेलर या टीज़र देखने को मिलने वाले हैं। अभी के लिए ये चीज़, ये ट्रेलर टीज़र ये ग्लिच जो भी है फिलहाल कन्फर्म नहीं, जैसे इसके ऊपर कोई भी हिंट आती मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। अभी के लिए बात करते हैं जो क्राफ्टन के सीईओ है जिनका नाम है हुनिल सोन, मैं यहाँ पर क्राफ्टन के सीईओ की बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने यहाँ पर कल के दिन, मैं नॉर्मली लेके चलता हूँ आपको ट्विटर पे, यहाँ पर इन्होंने फॉलो किया कल के दिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को। अब ये चीज़ थोड़ी मुझे फनी लगी, बट ये आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को देखो। यहाँ पर इन्होंने कल ही के दिन फॉलो किया हमारे नरेंद्र मोदी जी को। अब आई डोंट नो, पता नहीं भाई क्यों किया है, क्या चीज़ है। फिलहाल मीटिंग तो बहुत चल रही गवर्नमेंट के साथ में, अब ये चीज़ भी कन्फर्म है। अब देखो गेम वगैरह नहीं आने होता और ये सारी इंडिया के अंदर से इनका पत्ता कट जाता तो भाई ये क्यों ही फॉलो करते। अब गाइस एक और बहुत स्ट्रॉन्ग लीक से BGMI को लेके, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, फिलहाल बात करते हैं। देखो यार 2.2 का अपडेट भी हमें BGMI के अंदर देखने को नहीं मिला, बहुत सारी उम्मीदें थी कि भाई 2.2 का अपडेट आएगा। अभी रिसेंटली 2.1 का जो हमारा एंसेंट सीक्रेट अराइज मोड है वही चल रहा है और काफी सारा बोरिंग हो चुका है फिलहाल वो। अब क्या न्यू मोड जो आने वाला है हमारा फुटबॉल का, लाइक न्यू 2.3 अपडेट, क्या वो BGMI के अंदर आएगा। अब देखो गाइस जो आपकी टायर रिवॉर्ड की लीक्स होती है, तो वो फिलहाल BGMI के अंदर भी टेस्टिंग की गई और PUBG मोबाइल के अंदर भी। तो इससे ये चीज तो कंफर्म हो रही थी कि BGMI के अंदर अगला 2.3 का अपडेट आएगा, लेकिन उसके बाद में जितनी भी लीक्स आई है अपडेट की, वो सिर्फ PUBG मोबाइल के अंदर ही चेक हुई है। BGMI के अंदर बहुत कम लीक्स है जो कि चेक हुई है, मतलब चेकिंग हुई है। तो इससे यार बहुत मतलब लाइक लग रहा है कि अपडेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट अभी यहां पर बीटा अपडेट के बीटा वर्जन जो है उसके अंदर दो अपडेट आना बाकी है, उसमें यहां पर कंफर्म हो जाएगा कि अपडेट आएगा या नहीं आएगा BGMI का, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी यहां पर अभी टाइम है क्योंकि अगले महीने अपडेट आ रहा है नवंबर में। अब गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वाली वीडियो की सबसे बड़ी वाली गुड न्यूज, जिसे देखने के बाद को आप भाई 100% खुशी मिलने वाली है। अब देखो भाई ये है आज तक ऑफिशियल है और भाई ये कोई भी यहाँ पर फैक नहीं है। इनके फॉलोवर देख सकते हैं 19 मिलियन फॉलोवर है इनके, और इन्होंने BGMI को लेके एक यहाँ पर मतलब आर्टिकल लिखा है, और भाई इसे देखने के बाद 100% आपको खुशी मिलेगी। अब यहाँ पर नॉर्मली देखो, सबसे पहले इन्होंने BGMI को लेकर बोला है, अब यहाँ पर देखो एक आर्टिकल क्या है जो कि यहाँ पर 22 घंटे पहले आया। गाइस आपको तो पता ही आज तक बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है, पहले से इसकी हम देखते हुए आ रहे हैं। तो इन्होंने BGMI को लेकर क्या बोला है, सबसे पहले यहां पर आप देखो, आप यहां पर खुद भी जाकर चेक कर सकते हो, मैं इस आर्टिकल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर लिखा हुआ है बैटल ग्राउंड वॉल इंडिया फैंस के लिए खुशखबरी, पॉपुलर बैटल रॉयल गेम BGMI जल्द भारत में वापसी करने वाला है। ठीक है, इसको लेकर रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, PUBG मोबाइल के देश में बैन होने के बाद बैटल ग्राउंड वॉल इंडिया को केवल भारत के यूजर्स लॉन्च किया गया था। अब यहां पर देखो बहुत जल्दी भारत में वापसी करने वाला है, इसको लेकर एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है, ये चीज सबसे बड़ी मैन है, आप यहां पर देख सकते हो। और उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको फिर से दिखेगा पॉपुलर बैटल रॉयल गेम बैटल ग्राउंड वॉल इंडिया या BGMI जल्दी वापसी कर सकता है, भारत सरकार इस पर
लगा बैन जल्दी हटा सकती है। और यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के अंदर गेम लौटने की उम्मीद है। अब गाइस ये जो आज तक है छोटे मोटे चीजों को देख के इतना बड़ा आर्टिकल कभी नहीं छापेगा और ये इतना ट्रस्टेड सोर्स है और इस चीज को लेके यहाँ पर इसके 19 मिलियन इनके क्या बोलते हैं फॉलोअर्स है और गाइस ये ऑफिशियल है, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है। अब देखो हालांकि यहाँ पर जितनी भी चीजें BGMI के साथ हो रही है, अब यहाँ पर फ्री फायर रिसेंटली बैन हुआ था, लिटरली एक भी आर्टिकल नहीं छपा, एक भी जने ने इसे फ्री फायर को द्वारा नहीं पूछा था। बट यहाँ पर देखो दूसरी बार बैन लगने के बाद भी यहाँ पर गेम द्वार मतलब तिवारा से आ रहा है, ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और बैकग्राउंड के अंदर कितनी सारी चीज़ें चल रही है। फिलहाल यहाँ पर क्राफ्टन का एक न्यू चैनल बना था क्राफ्टन प्लेयर सपोर्ट, अब यहाँ पर इन्होंने CEO ने मोदी जी को फॉलो किया और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। अब देखो गेम ऑलरेडी दो बार बैन हो चुका है, अभी कभी भी यहाँ पर क्राफ्टन नहीं चाहेगा उनके तीसरी बार बैन लगे हमारे गेम पे। तो इसीलिए यहाँ पर क्राफ्टन हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देख रहा है क्योंकि यहाँ पर इस बार जब भी गेम आएगा लिटरली अब तो बैन होने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि पब्लिशर से लेके गेम की हर एक चीज़ यहाँ पर चेंज होने वाली है। अब यहाँ पर देखो मुझे आप कमेंट करके बताओ, आप इस गेम का अगर नहीं आता है मतलब 2-3 महीने में भी नहीं आता है तो आप इस गेम का कब तक वेट कर सकते हो, मतलब एक टाइम होता है एक सीमा होती है तो आप इस गेम का कब तक वेट कर सकते हो वो टाइम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये जो भी चीज़ है आपको इस गेम को लेकर के तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बी सेफ, लव यू ऑल, बाय बाय।